1905 के कांगड़ा भूकंप की याद में शिमला में मेमोरी वॉक। 1905 के विनाशकारी कांगड़ा भूकंप की याद में जिला प्रशासन शिमला ने रिज मैदान पर एक मेमोरी वॉक आयोजित की, जिसको डीसी शिमला राजेश्वर गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त शिमला राजेश्वर गोयल ने बताया कि वॉक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही भूकंप में मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। शिमला में जिस तरह की इमारतें बनी है वह भूकंप के खतरे को बढ़ा रही है, इसलिए जागरूक होना जरूरी है। 1905 में कांगड़ा में आए भीषण भूकंप में जहाँ जिला में जान माल सहित कई भवन क्षतिग्रस्त हुए थे, वहीं जिला के दो भवन इमारतें ना तो गिरी और ना ही इनमें कोई दरार आई। आज ही के दिन 4 अप्रैल 1905 को सुबह हिमाचल के कांगड़ा जिले में विनाशकारी भूकंप आया था। उस भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और 20,000 लोगों की जिंदगियां छीन ली थी। भू वैज्ञानिकों के अनुसार कांगड़ा घाटी के भूकंप के दो केंद्र थे, एक केंद्र कांगड़ा कुल्लू और दूसरा मसूरी देहरादून इलाके में था। इस भूकंप से कई जगह भूस्खलन हुए, चट्टानें गिर गईं, धर्मशाला कस्बे की सारी इमारतें जमीन दोज हो गई थी। ये मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो है 115 वर्ष पहले कांगड़ा में एक बहुत भयावह 4 अप्रैल को 1905 को भूकंप आया था, जिसमें करीब 20,000 से ज़्यादा जो व्यक्ति जो वहाँ के नागरिक थे उनकी उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। जो मेमोरी वॉक का जो आप कह रहे हैं ये 31 से पहले हो चुकी है। आज एक जागरूकता रैली जो है आज के दिन ये हमने यहाँ निकाली है, ना केवल शिमला में बल्कि सब डिविजन्स में और पूरे राज्य में जो है, और तरह तरह के जो है कार्यक्रम, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है एक तो ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, और दूसरा एक हम श्रद्धांजलि भी जो है जो जिन व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवाई थी उनको भी एक किस्म से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और जागरूकता का भी है, क्योंकि कहा जाता है कि Those who forget history are condemned to repeat it। क्योंकि हमें जो है एक बहुत ही दुखद हमारे हिमाचल के जो इतिहास है उसका सबसे मेरे ख्याल ये डार्केस्ट डे रहा होगा। तो इसमें जो है कि अब आज के दिन में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि अर्थक्वेक को से बचाव के बारे में, और जो बिल्डिंग्स की जो हमारी है, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर आज का दिन जो है चिंतन करने का भी दिन है। ये कहा जाता है कि अर्थक्वेक से नहीं आदमी मरते, जो डैमेज होता है वो बिल्डिंगों से होता है। तो उसके अंदर जो हमारे जो भवन की जो निर्माण है उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और कृत संकल्प है कि हम इस भयावह की इस तरह का कोई भविष्य में अगर कोई घटना होती है उससे कैसे बचा। शिमला से युवराज शर्मा की रिपोर्ट।